सेक्स वायलेंस, यही दो चीज़ें दिख रही हैं। दे शुड फाइंड सम रियलिस्टिक एंड यूनिक स्टोरीज। बॉलीवुड फेक लगता है थोड़ा। नो ओरिजिनल और न्यू कंटेंट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडिया के लार्जेस्ट मॉल DLF मॉल में। कोरोना से लोग परेशान हो गए थे, लोगों ने घरों में रहना शुरू कर दिया था, लोग मूवीज़ देखने बाहर नहीं जा पा रहे थे, घर में बैठकर ही फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे। पर अब जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, केसेस कम होते जा रहे हैं, लोगों ने फिर से मॉल में जाना शुरू कर दिया है। इसी बीच लोग मूवीज़ देखना भी पसंद कर रहे हैं। पर अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर प्रकाश डाला जाए तो आप भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि लोग साउथ मूवीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या फिर बॉलीवुड जो मूवीज़ साउथ से रीमेक बना रहा है उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है कंपैरिजन टू ओरिजिनल स्क्रिप्ट के। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि हमारा बॉलीवुड सिनेमा जा कहाँ पर रहा है। क्या वह सिर्फ साउथ मूवीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, या फिर अपना ओरिजिनल कंटेंट भी लोग पसंद कर रहे हैं? जैसे कि अगर अभी हाल ही में आई गहराइयां मूवी की बात करें, इतनी बड़ी स्टारर कास्ट होते हुए भी लोगों से उस मूवी को काफ़ी नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने पसंद भी किया है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आखिर किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ को आखिर क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरह का कंटेंट देखना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, लाइक कौन सी इंडस्ट्री से आप कंटेंट देखना पसंद करते हैं? मुझे बॉलीवुड में जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की रंग बिरंगी, चुपके चुपके, ऐसी मूवीज़ जो आती थी ना, लाइट कॉमेडी फिल्म, जब आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हो और आप उसको कई सालों तक भी चेरिश करते रहते हो उस मेमोरीज़ के साथ में, उस तरह की मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी, वो मैं मिसिंग कर रही हूँ इस समय। अब बन रही हैं कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी में वो वाली चीज़ नहीं है जब आप 25 लोगों के साथ बैठे हो पूरी फैमिली में और आपको आँख छुपा के नीचे कहीं जाना ना पड़े और आँख शर्मा के इधर उधर ना होना पड़े बच्चों के सामने, वो वाली चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ आज के डेट में। तो मतलब जितना पहले रंग था बॉलीवुड में, उतना रंग अब उड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा हुआ है, और सिर्फ सेक्स वायलेंस यही दो चीज़ें दिख रही हैं, बस ये एक पकड़ लो थीम और उसी के ऊपर पिक्चरें बनाए जाओ। ये चीज़ें पहले हम पिक्चरें देख के कई दिनों तक हमारे दिमाग में छाई रहती थी, अब हम लोग पिक्चरें देख के सोचते हैं क्या बेकार पिक्चर देख ली, ये नहीं देखते तो अच्छा था। ये तो अच्छा है कि OTT का के ज़माने में कि हम लोग को इतना पैसा खर्चा करके पिक्चर नहीं देखनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये गहराइयाँ जैसी मूवी अगर हम लोग हॉल में देख के आते तो आके 100 गालियाँ सुनाते। एग्जैक्टली, तो आपने गहराइयाँ देखी थी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई? मैंने तो देख ही नहीं पाई, 10 मिनट के बाद मैंने बंद कर दी। बिल्कुल, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहाँ पे वर्क करना चाहिए जिससे फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री छा पाए? वही कि फैमिली के साथ देखने वाली पिक्चरें बने और कॉमेडी फिल्म्स बने और ऐसी पिक्चरें देख के जब आप दोबारा भी देखने का मन करे, ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। स्टोरी लाइन भी मिसिंग लगती है, स्टोरी भी, कॉमेडी भी, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, एक चीज़ का नाम नहीं ले सकते। मैम आपका नेम? अभिलाषा। ओके, आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरह का कंटेंट वॉच करना पसंद करते हो, लाइक आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हो? मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ही एकदम कलर पॉप इंडस्ट्री है, और उसमें ना मतलब इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट, मतलब पहले अकॉर्डिंग टू, मैं पहले की बात करूं तो बहुत ही कम था, बट इस टाइम पे जैसे नए नए स्टार्स, जैसे मेरा खुद का क्रश है कार्तिक आर्यन, तो मुझे उससे बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो, और उसका जो जिस रिलेटेड जिससे मतलब उसका जो कॉन्टेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। अच्छा, अगर आपके सामने साउथ मूवी है, बॉलीवुड मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, तो आप सबसे पहले कौन सी मूवी वॉच करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड और फिर टॉलीवुड। ओके, तो आपको बॉलीवुड मूवीज़ अच्छी लगती हैं? हाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मैं जैसे कहते हैं ना कि आई एम अ डीपलेस हार्ट टू द बॉलीवुड। ओके, तो आपने रिसेंट गहराइयाँ देखी थी? नहीं, लेकिन मुझे देखनी ज़रूर है। ओके, काफ़ी नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं उस मूवी को, तो आप फिर भी देखना चाहोगे? मैंने उसका ट्रेलर देखा था और एज़ पर द ट्रेलर मुझे वो मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन हाँ उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी कि एक कज़न अपनी दूसरी कज़न के साथ थोड़ा डिचिंग करती है, तो वो बहुत ही वियर्ड सा था, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, तो वो बिल्कुल रियल लाइफ है। ओके, का नाम? अक्षता। ओके, आप मुझे बताएंगे आप बॉलीवुड सिनेमा को किस नज़र से देखते हो, आपको पसंद आता है बॉलीवुड कंटेंट, या फिर आपको कुछ मिस लगता है? अब मिस लगता है तो क्या लगता है मिस, और आप सबसे ज़्यादा कौन सी मूवीज़ देखना पसंद करते हो, साउथ, हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्या पसंद करते हो देखना? साउथ, साउथ मूवीज़। आप बताएंगे क्यों? एक्शन फिल्म्स हैं, एक्शन अच्छा होता है उसमें। ओके, एक्शन। एंड बॉलीवुड में मिसिंग है क्या एक्शन?
बॉलीवुड फेक लगता है थोड़ा। ओके, बॉलीवुड फेक लगता है। एंड और सारी और चीज़ें क्या आपको जो बॉलीवुड में मिसिंग लगती हैं? बॉलीवुड में ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर देयर करियर, बट ऐसा कुछ मिसिंग तो नहीं है। आई डोंट वॉच मूवीज जनरली, वेब सीरीज ज़्यादा, बट आप प्रिफर साउथ मूवीज को ज़्यादा करते हो कंपैरिजन टू बॉलीवुड? यस। थैंक यू मैम। ओके, हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, बात करते हैं। आपका नाम? अर्शद। ओके अर्शद जी, आप मुझे बताएंगे कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हैं? लेकिन ना अभी जो मूवीज़ आ रही हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है कॉपीड, मतलब होती हैं, रीमेक होती हैं, मोस्टली साउथ, मोस्टली साउथ की, या फिर काफ़ी सारी कॉमन स्टोरीज होती हैं, लाइक जो ऑलरेडी मतलब सिमिलर पैटर्न होता है मूवीज़ का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई हैं मूवीज़, तो काफ़ी मतलब वो इम्प्रूवमेंट की वो। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री की मूवी देखना पसंद करते हैं? लाइक कोरियन ड्रामाज आर लाइक नाउ इन वेरी फेमस एंड पॉपुलर बिकॉज दे हैव यूनिक स्टाइल एंड यूनिक थीम्स इन एवरी ड्रामा, सो या। तो आप क्या चाहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए सबसे ज़्यादा, जिससे पहले जैसी बात आ सके फिर से? दे शुड फाइंड सम रियलिस्टिक एंड यूनिक स्टोरीज ऑफ कॉमन पीपल्स एंड दे, बिकॉज लाइक ऑल द मूवीज हैव अनरियलिस्टिक, वेरी अनरियलिस्टिक, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल इन द रियल लाइफ, सो दे शुड वर्क ऑन द रियलिस्टिक पार्ट। ओके, तो ओरिजिनल, आई थिंक ओरिजिनलिटी इज द मेन फैक्टर, रियलिस्टिक पार्ट। ओके ओके, थैंक यू सर। मैम आपका नेम? अनन्या। ओके, आप बताइए आप किस तरह का कॉन्टेंट देखना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? Something which I can rely with. I mean something which is normal and we can see in day-to-day life. Not right now there are fictional movies or something, dramas with acts and moves which cannot be, which is not possible in real life. Yeah. Okay, तो आप मुझे बताइए क्या बॉलीवुड में किन चीज़ों की कमी है, मतलब क्या पहले वाली बात नहीं रही है, किन चीज़ों की कमी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? सेम स्टोरीज, नो ओरिजिनल और न्यू कंटेंट। अच्छा, रिसेंट गहराइयाँ देखी थी आपने? गहराइयाँ देखी थी किसी ने? आधी आधी देखी थी। कैसी लगी आधी? कैसी लगी? बेकार। बेकार लगी? तो मतलब रिसेंट वो रीमेक नहीं थी, ओरिजिनल थी, तो क्या चीज़ों की कमी थी? गहराइयों काफ़ी निगेटिव रिव्यू मिले हैं, तो आपने पूरी क्यों नहीं देखी? क्योंकि स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, नहीं तो आधे के बाद देखने का मन नहीं करा, दैट्स व्हाई। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमने हर तबके के लोगों से बात की, चाहे फिर वो बच्चे हो या बूढ़े हो या फिर यंगस्टर्स हो, सबको बॉलीवुड इंडस्ट्री से मसाला उड़ा हुआ नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि जो बात पहले होती थी वो बात अब नहीं है, ज़्यादातर मूवीज रीमेक बन रही हैं जो कि पसंद की जा रही हैं। तो बॉलीवुड को ओरिजिनलिटी, रियलिटी पे रियलिस्टिक मूवीज़ बनानी चाहिए जो लोग उसको पसंद करें। मेघा गंगवार, कैमरामैन शिवी के साथ, वी नेशन, नोएडा।